गोदनी रोड के बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम का ग्लास टूटने से पैसे निकालने गए युवक के दोनों पैरों में गंभीर चोटें आई है, जिसके मुआवजे को लेकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन कर बैंक के खिलाफ नारेबाजी की। बीते 18 फरवरी 2021 को गोदनी रोड के बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम से पैसे निकालना अर्जुन अहिर को काफी महंगा साबित हुआ। एटीएम में से पैसे तो निकले नहीं, उल्टे एटीएम के अंदर लगे कांच टूट जाने के कारण गंभीर रूप से जख्मी अर्जुन पिछले 5 महीनों से कोई भी काम धंधा नहीं कर पा रहा। ऊपर से इलाज पर अब तक हजारों रुपए भी खर्च हो चुके हैं, बावजूद अभी भी वह कई महीनों तक काम करने में असमर्थ है। दरअसल अर्जुन ने बताया कि एटीएम के कार्ड पर पिन डालने पर काफी देर तक एटीएम से पैसे नहीं निकले। वह इंतजार करता रहा कि अचानक एटीएम में बने फर्नीचर का कांच टूटकर उसके पैरों में गड़ गया, जिससे उसके दोनों पैरों में गंभीर चोट आ गई। बैंक ऑफ इंडिया एटीएम मध्ये सर्व एटीएम मध्ये मी पैसे काढायला गेलो, अकाउंट मधून माझे पैसे कट झाले, एटीएम मशीन मधून पैसे काही बाहेर आले नाही। पैसे बाहेर आले नसल्यामुळे मी तिथे वाट बघत बसलो, म्हटलं आता थोड्या वेळात पैसे येईल बा, आणि थोड्या वेळातच मागून बँकेचा आधीचा एटीएमचा जो ग्लास आहे तुटलेला आहे, त्या एटीएमचा बूथ बसला ग्लास, तो माझ्या पायावर पडला। पायावर पडला त्याच्यामुळे मला गंभीर स्वरूपाच्या जखमा झाल्या, म्हणजे पायाच्या दोन्ही पायाच्या माझ्या नसा कापल्या गेलेल्या। त्याच्यानंतर मला काही मुलांनी तुषार आणि प्रज्वल नावाचे दोन मुलं होते ते मला घेऊन मी हॉस्पिटलमध्ये गेले, नकार दिला। इलाज के बाद अर्जुन ने घटना की शिकायत बैंक अधिकारियों से की और लापरवाही के लिए बैंक से मुआवजे की मांग की, परंतु बैंक ने इसके लिए साफ मना करते हुए वेंडर की जवाबदेही बताकर अपना पल्ला झाड़ लिया। बैंक ने मना करने पर युवक ने वेंडर से बात की तो वेंडर ने युवक को भी कोई मदद नहीं की। त्याच्यानंतर मी मेडिकल कॉलेजला गेलो, मेडिकल कॉलेजमध्ये माझ्यावर ऑपरेशन झाले, सर्जरी झाली दोन्ही पायाची माझी 3 तास। 21 तारखेला मला डिस्चार्ज झाला कोरोनामुळे, म्हणजे कोरोना वाढल्यामुळे त्यांनी तिथे मला ठेवलं नाही, त्यांनी लवकरात लवकर मला डिस्चार्ज दिला। 21 तारखेनंतर मी बँकेसोबत संपर्क साधला, त्यावेळेला त्यांनी सरळ मला नकार दिला, आम्ही याला काही जबाबदार नाही आहे, आम्हाला याच्याशी काही देणं घेणं नाही आहे। त्यांनी वेंडरचं नाव पुढे घेतलं, जे एटीएमचे जे मेंटेनन्स करतात वेंडर, त्यांचं नाव त्यांनी पुढे केलं, वेंडरचा मला नंबर दिला, वेंडरला मी कॉल केला, त्याच्यानंतर वेंडरने मला हे सांगितलं की तुमच्या ज्यांनी जे होत आहे, मतलब आपसे जो होता है आप वो कर लो, मेरे से फिर जो हो रहा फिर मैं वो कर रहा। तो ये घटना कौन से महीने की, कितना दिन हो गए इस घटने को, कितना दिन पहले ये घटना घटी आपसे? घटना हुई है फरवरी महीने में, 18 फरवरी को। उसके बाद में लॉकडाउन चला और कम से कम 3 महीने तक तो मैं बेड पे था, मैं पलंग से मैं उठ नहीं पा रहा। मेरे घर के लोगों ने भी यहाँ पे आके इन लोगों से रिक्वेस्ट किया कि आप हमारी कुछ सहायता कीजिए, घर के अंदर कमाने वाला एक व्यक्ति मैं अकेले। घर वालों ने भी इनको, तो वेंडर का क्या नाम था, वेंडर कौन था, कि नाम बताया इन्होंने? वेंडर नाम है उनका धोटे, नाम है उनका विजय धोटे, कुछ भी धोटे ऐसा कुछ भी नाम है उनका, धोटे सरने में लेकिन उनका। तो उनका नंबर हमको दिया गया वेंडर का, एक्चुअली हमारा कोई संपर्क का मतलब जैसे कोई था नहीं, उसको बॉडी दुमार को वेंडर का नंबर दिया गया, हमने वेंडर से बात की तो वेंडर ने मुझे सर मतलब सीधी सीधी ऐसी मेरे साथ में भाषा इस्तेमाल करी कि आपसे जो होता है आप वो कर लो, कर दो, आपको लीगल जाना है आप लीगल जाओ, आपको इनलीगल जाना है आप लीगल जाओ, मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। तो वो अचानक ही वो आपका जो ग्लास था वो गिर गया पैर में, अचानक ही गिरा, मतलब वो ग्लास पहले से टूटा हुआ था, उसके ऊपर बैंक का काम था कि टूटे हुए ग्लास को निकाल के वहाँ पे नया फिट करना करके, उन्होंने उसके ऊपर पहले स्टिकर चिपकाया जो कि गैर कानूनी है। आप मतलब जो पब्लिक प्लेस है वो एक तरह से पब्लिक प्लेस के ऊपर आप अगर टूटे हुआ ग्लास अगर मतलब मैंने मेरी जान भी वहाँ पे जा सकती थी, ठीक है, अगर ये लड़के लोग नहीं होते आते लड़के को देखिए ये लड़का था जिसने मेरे को दवाखाना लेके गया, अगर ये लड़का वहाँ पे उस वक्त अगर नहीं होता तो मैं खुद के पास से चल भी नहीं पाता, तो फिर मैं दवाखाने जाता भी कैसे? आपका नाम बता दो। मेरा नाम है अर्जुन अशोक अहिर। जिसे लेकर शुक्रवार सुबह बैंक खुलने के तुरंत बाद मन से कार्यकर्ताओं ने बैंक के खिलाफ नारेबाजी करते हुए अर्जुन के लिए न्याय की मांग की। इस विषय पर हमने बैंक अधिकारियों से बात करने की कोशिश की पर किसी भी अधिकारी ने कोई बात नहीं की। ऐसा लगता है कि बैंक अपने ग्राहकों के प्रति लापरवाह हो गई है। आपको बता दें कि बैंक अपने ग्राहकों से अलग शुल्क के नाम पर करोड़ों रुपए वसूल रही है, पर सुविधा के नाम पर ग्राहकों पर ध्यान नहीं दिया जाता। अक्सर एटीएम मशीन में पैसे नहीं रहते, वही सुरक्षा का अभाव भी देखा जाता है। वहाँ कैमरे तो लगे हैं, पर चालू नहीं है। कांच में बने फर्नीचर टूटे अस्त व्यस्त है, उनकी मरम्मत समय पर नहीं की जाती। ना कोई बैंक अधिकारी एटीएम की समय समय पर जांच करते हैं,
दुर्घटना होने अथवा एटीएम मशीन में से पैसे ना होने पर बैंक अधिकारी अपने ग्राहकों को कोई बात नहीं सुनते, जैसा ही अर्जुन अहिरे के प्रकरण में हुआ। अब देखना है कि बैंक इस विषय पर वेंडर के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, नागपुर।